हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेट्स चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है तीसरी एक्सरसाइज का, वो सबसेट वाला है। तो हमें दो सेट्स दे रखे हैं और मुझे बताना है कि पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है या नहीं। तो कह रहे हैं, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो सबसे पहले में 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 तीनों, इसलिए दिस इज सबसेट। ए बी सी है, यहाँ पर ए नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये फिर सबसेट है, क्लास 11th के हर बच्चा स्कूल का बच्चा तो होगा ही। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो फिर यहाँ पर 1 यूनिट के अलावा भी जो रेडियस के सर्कल है वो भी आ सकते हैं, इसलिए ये फिर से सबसेट नहीं है। एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्राइंगल और रेक्टेंगल सेम नहीं होते, ये सबसेट नहीं है। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो ऑब्वियसली ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ट्राइंगल, ये सबसेट है। और एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर में एवरी इवन नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, इसलिए ये भी सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है। ए बी, ये फॉल्स हो गया बिकॉज ए बी इज अ सबसेट ऑफ दिस। ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ये बात सही हो गई बिकॉज सारे वॉवल्स में ए और ई आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पे 1 3 5 है, 2 इधर है इधर नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गई। ये बात ट्रू हो गई, ये बात फॉल्स हो गई बिकॉज यहाँ पे लिख रहे हैं दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये बात सही नहीं है। अगर ये लिखते ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी तो ये बात ट्रू होती। अगर ये लिखते सेट विद एन एलिमेंट ए इज अ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी तो ये बात भी ट्रू होती, ये बात भी ट्रू होती, पर ये वाली बात ट्रू नहीं है, दिस इज अ फॉल्स। फिर 6 है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 आएंगे। और यहाँ कह रहे हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं होगा, इसलिए ये बात सही नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 कॉमा 2। फिर ये 3 कॉमा 4 ये एक सेट है, इसका मतलब 3 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 5, ये एक कोई सेट दे दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो ये बात गलत है बिकॉज चूंकि 3 और 4 ए में बिलोंग नहीं करते, 3 और 4 को कैरी करने वाला जो सेट है वो ए का सबसेट नहीं होगा, ये बात सही है बिकॉज ये सेट ए को बिलोंग करता है बट ये सेट ए का सबसेट नहीं है, ये बात फिर सही है बिकॉज एक ऐसा सेट जिसमें ये सेट है। सपोज करो, मैं ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो रहा है इसलिए इसको साफ साफ लिखते हैं। मान लो मैं एक सेट लिखूं बी जो है 3 कॉमा 4, तो मेरा जो सेट ए है उसके एलिमेंट है 1 कॉमा 2 कॉमा b कॉमा 5। तो कोई मुझसे कहे कि अगर जब ये पहला वाला पार्ट पूछ रहे हैं कि 3 कॉमा 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि 3 बिलोंग्स टू a एंड 4 बिलोंग्स टू a, तो ऑब्वियसली ये बात फॉल्स है बिकॉज ना तो 3 a को बिलोंग करता है ना 4 को a को बिलोंग करता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डज b बिलोंग्स टू a, तो ये बात ऑब्वियसली ट्रू है बिकॉज b बिलोंग्स टू a। फिर थर्ड पार्ट में मुझसे पूछ रहे हैं अगर मैं कोई एक नया सेट बनाऊं c जिसमें खाली एक ही एलिमेंट है b, तो फिर इस c अ सबसेट ऑफ a, तो ये बात भी ट्रू है बिकॉज सी कंटेन्स बी एंड ए ऑल्सो कंटेन्स बी। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा और तीसरे सही हो गए। फिर 1 बिलोंग्स टू a बात तो सही है ही है, ये बात गलत है, 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। अगर ये लिखते 1 इज अ सबसेट ऑफ a तो ये बात सही होती, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए। फिर 1 2 5 को कैरी करने वाला सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है, 1 2 5 बिलोंग टू ए, फिर से बात गलत है बिकॉज
ये एक नया सेट इन्होंने डिफाइन कर दिया और ये सेट ए में बिलोंग नहीं करता। फिर ये बात गलत है बिकॉज 3 जो है ये ए का मेंबर नहीं है, ए के मेंबर 1, 2, B और 5 हैं, तो ये गलत है। ये बात फिर गलत है, नल्स जो है ये तो सेट है और ये सेट कहीं पर ए में नहीं है, लेकिन ये बात सही है। नल सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो नल सेट ए का सबसेट है। और फिर ये फिर गलत बात है, बिकॉज अगर ये बात सही होती तो ये बात भी सही होती। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने ए को लिख लिया और फिर 1, 2, B और 5 दे बिलोंग टू ए, इनके अलावा कोई भी चीज़ ए को बिलोंग नहीं करती, और कोई भी ऐसा सेट जो 1, 2, B और 5 से मिलकर के बना हो वो तो इसका सबसेट होगा, उसके अलावा उसमें कोई भी एक एलिमेंट हो जाएगा तो वो इसका सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसमें एक एलिमेंट है ए, तो एक तो नल सेट इसका सबसेट होगा ही, दूसरा ए को कैरी करने वाला सेट होगा, तो इसके दो सबसेट होंगे। हमेशा याद याद रखना, अगर इसको वेरीफाई करने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ पर एक अगर एलिमेंट है तो यहाँ पर दो सबसेट होंगे। ऐसे ही दो एलिमेंट हैं तो एक तो नल सेट सबसेट होगा, दूसरा ए सबसेट होगा, बी सबसेट होगा और ए कॉमा बी सबसेट हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर 8 सबसेट्स हो जाएंगे, तो नल 1, 2, 3 और फिर 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3, ये 8 इसके सबसेट हो जाएंगे। तो पहले किसी को मत लो, फिर सबको एक एक करके लो, फिर सबको दो दो करके लो, फिर तीन तीन करके लो, इस तरीके से। और नल सेट का तो खाली एक ही सबसेट है, नल सेट ही। यहाँ पर 0 एलिमेंट थे इसलिए 2 की पावर 0 यानी कि 1 एलिमेंट हुआ, यहाँ पर 1 एलिमेंट था इसलिए 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट हो गए, और 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट हो गए। तो बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट हैज PA। PA का मतलब है पावर सेट ऑफ ए, और इसका मतलब है अ सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो अगर मेरा ए खुद नल सेट है तो इसका एक ही सबसेट होगा 5, तो पावर सेट ऑफ ए जो हो जाएगा उसमें खाली एक ही एलिमेंट हो जाएगा 5, तो पावर सेट ऑफ ए विल कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, जो कि होना ही चाहिए था, बिकॉज पावर सेट ऑफ ए, मैं लिखूं यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो अगर मेरे ए में n इज इक्वल टू 0 है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर 0 यानी कि 1 एलिमेंट होना चाहिए था, जो कि मैंने लिख दिया नल सेट। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं राइट डाउन फॉलोइंग एज एन इंटरवल। तो ये कह रहे हैं एक्स इज अ रियल नंबर जहां पर एक्स इज ग्रेटर देन -4। तो चूंकि -4 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है इसलिए इधर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो कि 6 इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में चूंकि दोनों तरफ ना इधर -12 इंक्लूडेड ना इधर -10 इंक्लूडेड है, तो मैं इसको -12 to -10 और दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगा। यहाँ पर 0 से 7 तक जाना है, 0 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं 0, 7 लिख करके 7 वाली साइड पे स्मॉल ब्रैकेट और 0 वाली साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। और यहाँ पर 3, 4 लिख करके, चूंकि दोनों तरफ इक्वालिटी लग भी लग रही है इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं राइट डाउन फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर लिख दूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड माइनस एंड -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0। चूंकि दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट थे इसलिए दोनों तरफ मैंने लेस देन का साइन लगाया, कहीं पर इक्वल नहीं लगाया। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड में ये स्टेटमेंट तो एज सच रहेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12।
थर्ड केस में सेम, सिक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12, और लास्ट केस में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ये सेम रहेगा, एंड -23 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 5। तो बेसिकली जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है वहाँ पर इक्वलिटी के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ पर खाली लेस देन का साइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, वॉट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनिवर्सल सेट में इस सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर मेरे पास सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स है और दूसरा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू डिफाइन कर दूंगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के सेट में राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th है कि कह रहे हैं, ए की वैल्यू 135 है, बी 246 है, सी की वैल्यू 0268 है, तो इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसको मैं ए बी और सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट मान सकता हूँ। तो अगर वो ए बी सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है, तो ए बी सी तीनों को ही उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना होगा। तो ऑप्शन 1 गलत है, बिकॉज सी में 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है। ऑप्शन 2 तो गलत है ही है। ऑप्शन 3 सही है, बिकॉज ए बी और सी के सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं। और ऑप्शन 4 फिर गलत है, बिकॉज सी में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कहीं 0 नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक यूनिवर्सल सेट का भी कर लिया। ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 3 खत्म हो गई। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।